अमरोहा राजकीय मिनी स्टेडियम में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अमरोहा के मिनी स्टेडियम में गुरुवार को 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। लोगों ने जब एक साथ योग के कई आसान किए तो दृश्य देखने वाला था। ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर, तहसील स्तर पर 5 लाख से अधिक लोगों ने योगाभ्यास किया। इस दौरान योगाचार्य ने योग से होने वाले फायदे के बारे में जानकारी दी। जिलाधिकारी राजेश कुमार त्यागी ने अपने विचार रखे। इस दौरान मुख्य कार्यक्रम अमरोहा शहर के राज्य की मिनी स्टेडियम में संचालित किया गया। यहां विशिष्ट अतिथि के रूप में नगर पालिका अध्यक्ष शशि जैन रहे, साथ ही जिलाधिकारी राजेश कुमार त्यागी की मौजूदगी में योग दिवस मनाया गया। यहां पर लगभग 10,000 लोगों ने प्रतिभा किया। योग प्रशिक्षकों के निर्देशन हुआ, सभी प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। हालांकि कुछ देर की बारिश ने कार्यक्रम में खलल डाल दी, लेकिन योग जारी रहा। अमरोहा पालिका की भाजपा अध्यक्ष शशि जैन ने कहा है कि योग से भारत की विश्व में एक अलग अलग पहचान मिलती है। योग भारत की संस्कृति के साथ जुड़ा है। हमारे ऋषि मुनियों ने योग को संस्कृत की परंपरा को भारतीय परंपरा में जोड़ा है। उन्होंने कहा है कि आज भारत की पहचान योग के रूप में विश्व में की जाती है। अवश्य ही भारत विश्व गुरु बनने की दिशा की ओर अग्रसर हो रहा है। योग से ज्यादा लोग प्रतिवर्ष जुड़ रहे हैं। जब तक सूर्य उदय होता रहेगा तब तक लोग देश में योग कर अपना योगदान देते रहेंगे। उन्होंने कहा है कि योगिक क्रियाओं से आवश्यक हो मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा और मानव जीवन के लिए योग क्रिया लाभकारी सिद्ध होगी। इसी के साथ जिलाधिकारी राजेश कुमार त्यागी ने कहा है कि योग अवश्य मनुष्य के जीवन में परिवर्तन लाता है। यह मानव जीवन के लिए उपहार है। अपने जीवन में योग के लिए समय अवश्य निकले। ये शरीर को स्वस्थ बनाने के साथ साथ मस्तिष्क में स्वस्थ आत्मा का निर्माण भी करता है। योग आत्मा और दिमाग को शांत रखता है और बीमारियों से बचाता है। शरीर को ऊर्जावान और तरोताज रखना है, तनाव कम करने में सहायक करता है।